हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम डिस्कस बीएससी थर्ड ईयर पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चैप्टर से जो टॉपिक है वो है O2 मॉलिक्यूल, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन अणु का ऊर्जा स्थिरारे के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि जो ऑक्सीजन अणु होता है वो दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे या प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि O2 अणु, तो जो ऑक्सीजन अणु होता है वो दो ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो उसका हम करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन का भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p4। इस तरह ये दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर O2 अणु बना होता है। अब इसके प्रत्येक जो ऑक्सीजन परमाणु हैं, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु में कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 4 और 4, 8। तो कहने वाले ये हुआ कि दोनों या O2 अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या O2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 + 8 = 16। यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो O2 मॉलिक्यूल में 8 + 8 = 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अब हम देखेंगे कि जो 16 इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरह यहाँ पर भरे जाएंगे। तो O2 अणु का सबसे पहले हम क्या करेंगे, O2 सबसे पहले करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो इसका हम यहां पर O2 परमाणु का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो सबसे पहले हम लिख देंगे KK। जो KK है इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर फर्स्ट कोस है। इसके आगे हम करेंगे σ2s2, σ*2s2। तो यहां पर दो, एक KK बने σ1s2 और σ*1s2, ये हो गया। उसके बाद हमने किया यहाँ पर σ2s2, σ*2s2। अब इसके बाद आएगा σ2pZ2। तो यहां पर इसके बाद पाई
टू पी एक्स टू, कहने में ये है कि पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई की दोनों की ऊर्जा कैसी होती है, समान होती है। तो यहां पर पाई टू पी एक्स टू बराबर पाई टू पी बाई टू, तो यहां पर इस टाइप का हुआ। अब हम देखेंगे आगे इसका कि पाई स्टार टू पी एक्स बराबर पाई स्टार टू पी बाई, तो इसके बाद यहां पर सिग्मा स्टार टू पी जेड, इस तरह इसका जो O2 मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि कहां तक इसका इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कहां कहां इसका इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो यहां पर ये जो है ये तो पूरा बोलेंगे, इसको छोड़ ही दो। तो अब हम काउंट कर लेंगे कि 16 इलेक्ट्रॉन होने हैं, तो 2, 4, 6, 8, 8 ये हो गए एक में, और ये तो यहां पर 1 हो गया और 1 ये हो गया। तो टोटल यहां पर कितने हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12 और 4, 16 पूरा इलेक्ट्रॉन यहां पर फिर हो चुके हैं। कहने के लिए है जो के कोष है वो फर्स्ट कोष था, और सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2 बराबर पाई 2p बाई 2 पाई स्टार 2p x1 इक्वल टू पाई स्टार 2p बाई 1। तो इस तरह इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इस इतने को हम नीचे लिखे दे रहे हैं कि यहां पर डायग्राम बनाएंगे, इसको हम लिखे दे रहे हैं यहां पर पाई स्टार 2p एक्स 1 इक्वल टू पाई स्टार 2p बाई 1। अब हम इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है Nb माइनस Na अपॉन 2। तो यहां पर Nb मीन्स क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और Na है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। तो सबसे पहले हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जिसमें कि स्टार ना लगाओ, 2, 4, 6, 8। तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, यहां पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें काउंट करना है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसमें स्टार लगा हुआ है उसको काउंट करेंगे, तो 2, 3, 4। तो यहां पर 4 हुआ और अपॉन 2, तो यहां पर कितना आ गया, ये 4 अपॉन 2 आ जाएगा, तो 2 आया। कहने में ये है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है उन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड बनता है उनमें डबल बॉन्ड बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन होगी उसके दोनों के बीच में डबल बॉन्ड इस तरह बनेगा। तो अब इसकी जो नेचर होता है वो नेचर कैसा होगा, इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, चुंबकीय गुण इसका कैसा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर इनके
ये दोनों दोनों जो ऑर्बिटल हैं वो कैसे हैं, अपूर्ण हैं, अधपूरित हैं, अयुग्मित हैं। तो ये जो अयुग्मित हैं, अयुग्मित होने पर क्या करते हैं, इनका जो नेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर इसका हो जाता है। तो पैरामैग्नेटिक इसका जो नेचर होगा वो क्यों होता है, क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें जब एक एक इलेक्ट्रॉन भरा होता है, कैनोन ये है, इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित नहीं होंगे तो उन्हें हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, पैरा मैग्नेटिक इसका नेचर होगा। अब हम इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम या ऊर्जा स्तर आरेख जो है उसको हम ड्रा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर, इस तरह इसके कॉलम बनाएंगे और ये हो गया बनेस, ये हो गया बनेस, इसको कहेंगे सिग्मा बनेस और ये सिग्मा स्टार वन एस। इसके बाद हम टू एस क्या बनाएंगे, ये जो है 2s का यहां पर हमने बनाया, इनको हमने इस तरह जोड़ दिया। इस तरह इसको जोड़ दिया, ये है सिग्मा 2s और ये है सिग्मा स्टार 2s, ये 2s का ऑर्बिटल है। इसके बाद हम बनाएंगे 2p का, अभी बनेस क्या बनाया 2s क्या बनाया, अब बनाते हैं 2p का। तो 2p का बनाएंगे यहां पर, इस तरह इसमें 2p में तीन कॉलम होते हैं 2p उपकोष में। इसको हम कह सकते हैं पी एक्स पी वाई और पी जेड, ये है 2p, ये 2p है। इसी टाइप का इस तरफ बनाएंगे, ये पी एक्स पी वाई और पी जेड, ये भी 2p है। अब हम यहां पर बनाएंगे ये जो है इस टाइप को। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इससे जोड़ देंगे, इसको इस तरह हमने इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब जिसके जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं
उसको बनाएंगे और एक कॉलम यहां पर। तो अब इनको हम जोड़ दें इस टाइप का, इसको थोड़ा छोटा बना दें ये वाला इस तरह, और ये इस टाइप का, इसको हम इस तरह जोड़ दें, इसको जोड़ दें और इस टाइप का हमने जोड़ दिया। अब इसका जो नाम है सिग्मा 2PZ, ये है पाई 2PX इक्वल टू पाई 2PY, ये है पाई स्टार 2PX इक्वल टू पाई स्टार 2PY, ये है सिग्मा स्टार 2PX। तो अब हम इसको जो है यहां से जो एनर्जी है वो कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां लिख सकते हैं इसको यहां पर इंक्रीजिंग एनर्जी, ऊर्जा क्या है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। अब इसका ये एक स्केलेटन बन गया, ढांचा बन गया है। ऑक्सीजन जो ऊर्जा स्तर आरेख है ऑक्सीजन और का, वो एक यहां पर ढांचा बन गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे। जैसे कि बनेस में दो इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बनेस में दो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम इस तरह यहां पर फिल करेंगे। जब दोनों को फिल किया, इसी तरह 2s में भी यहां पर हमने फिल किए। इसके बाद 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह यहां पर भी भरेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरह अभी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन विन्यास हैं उसके हिसाब से हमने भरा हुआ है। अब जिस तरह हमने यहां पर जो O2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन विन्यास किया था, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन, ये तो क्या होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर जो हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, ये बनेस भर गया, उसके बाद बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन वो यहां पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये। तो ये जो है बनेस जो होता है वो पूरा भर गया, दो दो इलेक्ट्रॉन हुए तो ये पूरा भर गया। और अब हम बात करेंगे 2s जो एटम की, 2s एटम से एक इलेक्ट्रॉन आया तो सिग्मा 2s में एक फिल हो गया, दूसरे 2s से भी एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये भर गया। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो 2s सिग्मा 2s है वो यहाँ फिल हो गया, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा स्टार 2s में फिल हो गया। तो ये भी जो 2s है ऑर्बिटल पूरा ये भी फिल हो गया, बचा हुआ अब है 2p4। तो 2px में कैरियन लिए है, 2pz है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आया ये फिल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया ये फिल हो गया। अब बात करते हैं क्योंकि पाई 2px बराबर पाई 2py, ये दोनों कक्षकें जो होती हैं समान ऊर्जा की कक्षकें होती हैं, इन्हें हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये दोनों जो कक्षकें होती हैं इनकी ऊर्जा समान होती है पाई 2px बराबर पाई 2py, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां भर जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भर जाएगा। तो अब px का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, इसका एक इलेक्ट्रॉन आकर यहां पर, py का यहां पर भर सकता है, ये भर गया।
तो ये तो हो गया कुल। अब बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बचा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला भाई बचा हुआ पी एफ पी एन, क्योंकि पाई स्टार टू पी एक्स बराबर पाई स्टार टू पी वाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं पी एफ के, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर जाने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों की ऊर्जा जो है समान होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा पाई स्टार टू पी एक्स में और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई स्टार टू पी वाई में। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, यहां पर एक हो गया, यहां पर टू, यहां पर टू और यहां पर टू। तो इस तरह ये जो है हमने बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑटो मॉलिक्यूल, उसके हिसाब से ये एक ऊर्जा स्तर आरेख बन गया है ओटू मॉलिक्यूल का। तो यहां पर जो है जो केके है बने सिग्मा बनेस है, जो केके है ये ऊर्जा स्तर में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसको हम केके ले लेते हैं। मगर टू एस और टू पी ये क्या है, मतलब कि एक अलग कोस है, टू एस और टू पी ये कोस है, क्योंकि के कोस एक अलग था और ये के कोस ये एल कोस कह सकते हैं इसको हम, एल कोस ये के कोस ये एल कोस। तो के कोस को हम ऐसे नॉर्मली हम लिख दिए हैं यहां पर, और एल कोस का हमने एल कोस का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया। तो ऊर्जा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीज होती है। तो यहां पर जो भी ऑर्बिटल है जैसे टू एन सिग्मा वो टू एस एटम है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो सिग्मा टू एस टू से अधिक होती है, जबकि सिग्मा स्टार टू एस टू से कम होती है। तो यहां पर कहने वाले ये है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो जिनसे बने होते हैं उनसे उनकी ऊर्जा कम होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिनसे बनते हैं उनसे उनकी ऊर्जा अधिक होती है। तो इस तरह हमने यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल के ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा और समझा कि ऑक्सीजन जो अणु है उसके एटॉमिक नंबर 8 होता है, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p 4 होता है। तो यहां पर के कोस और एल कोस है, के कोस को हम क्या नाम के लिख के, और जो एल कोस है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल की पूरी बनाते हैं अर्धकक्षक विन्यास। तो अर्धकक्षक विन्यास के बाद हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 निकला, उसका मतलब ये होता है कि जो भी अणु है उसके बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे। तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर 2 निकला तो कहने लिए है कि O2 मॉलिक्यूल है उन दोनों परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड बनेगा और इसकी जो मैग्नेटिक नेचर होता है वो कैसा होता है पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि पाई स्टार टू पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार टू पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से, क्योंकि कक्षक जो है कैसे है अयुग्मित है यहाँ पर पूर्ण पूरित नहीं है, इसलिए यहां पर जो है इसका जो नेचर होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक। तो मेरी समझ से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको हम देखते हैं, इस टाइप का देखने के बाद यहां पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।